सोनिया गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। वैसे है क्या गांव में ज्यादा जो है महिला? गांव में हम लोग किसी के लगे भाई बैठते उठते नहीं, अपने अपने माहौल को जानते हैं। बाकी वैसे महिलाएं इस बार चर्चा क्या है महिलाओं में? जो इच्छा चाहेगी वही भगवान करेगा। और महिला ये फिर सोनिया गांधी जिंदाबाद कैसे मतलब आपको लगता है? माहौल सुन के अभी कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाते, अभी कह रहे हैं कि माहौल सुन के। क्या चाहते हो रायबरेली में क्या हो इस बार? विकास हो बढ़िया अच्छे से, बच्चे मारे मारे फिरते हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं कुछ। रायबरेली से राहुल गांधी आएगा आपकी? हां कोई रोक नहीं पाएगा। वाला गया अच्छा, आपकी रायबरेली से कांग्रेस ही आएगी। तो राहुल आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर? अरे राहुल आ जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा गरीब आदमियों का। अच्छा और क्या, योगी ने क्या किया? योगी ने कुछ नहीं किया, योगी ने तो भुखमरी का खड़ा कर दिया। गरीब आदमी मर रहे हैं बेचारे, जानवर सब मर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है, क्या होगा? योगी ने कुछ किया नहीं। वोट डाल के यही सोचा कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, टोटल मिला करके देश हित में कर रही है। अम्मा कह रही है हमारे दो लड़के हैं, दोनों लड़के मजदूरी करते हैं, काम धंधा है ही नहीं। जी काम करना, आप बताइए काम करने के लिए अगर आदमी मेहनत करना चाहे तो कोई भी आदमी 1,500 रुपए डेली पैदा कर सकता है, ये तो एक बहाने हैं। इस बार क्या है पहले वोटर के मन में? वोटर मन में भाजपा है। अच्छा, मोदी जीताएंगे। अच्छा वोट डाला आपने? क्या देख रहे हैं आप इस बार चुनाव में? जो चल रही सरकार वही बनेगी फिर। अच्छा इस वक्त मैं रायबरेली के अंदर हूं, दोपहर का समय है और रायबरेली में मतदान जारी है। राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार हैं और कुछ महिलाएं हैं जो वोट डाल करके आई हैं। तो आप सब वोटिंग वोट करके आए अभी? आप वोट करके आए आप? जी। क्या देख रहे हैं इस बार आप यहां पे रायबरेली में? अब तो वोट देने हैं भैया, जैसा जीत तक जीते का बताएं। तो क्या सोच करके वोट किया आपने यहां पे? किसको देख रहे हैं आप यहां पे? किसी को नहीं देख रहे, जिसकी सरकार आएगी। तो क्या होगा रायबरेली में, आप महिलाएं क्या चाहती हैं? अरे किस्मत तो आज आप ही तय कर रही हैं। अब तो है खुला वोट भैया कोई नहीं देता है। खुला नहीं, लेकिन आप महिला मतदाता जो हैं वो इस बार क्या सोच करके वोट कर रही है, मैं यही थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। भैया जो चीज मांगा था मैंने वह चीज मिला था, तो भाई अब जैसा बना था बनी, वोट गई नहीं। तो अब की बार क्या होगा यहाँ पे? यहाँ तो हरदम जीतते है राहुल गांधी की रहा सरकार, मतलब रहती है रायबरेली जिला ते। अब पार्टी नहीं बता को जीत को हार है, तो उनका तो घर है गांव है रायबरेली जिला, लेकिन अब पता नहीं को जीत को मेरी घर है, मतलब यहाँ उन्हीं का गांव है। हाँ गांव है भाई, यहाँ सब मुंह सुन ले भैया। तो ये जो है वो आपकी जो बड़ी के वो है वो सब बोल रहे हैं और आप नहीं बोल पा रहे हो। क्या नाम है आपका? दीक्षा। आपने भी डाला है वोट? जी। पढ़े लिखे हैं आप? जी। तो आपका क्या सोच करके इस बार आपने वोट किया है, क्या आपके लिए बड़ा मुद्दा रहा 10 साल में? आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी की सरकार में महंगाई बेरोजगारी ज्यादा हो गई या बहुत विकास करवाया उन्होंने, किस मुद्दे को लेकर के इस बार आपने वोट किया है? हमने वोट ही नहीं दिया। वोट ही नहीं दिया आपने? लेकिन अभी आप आ तो रही वहां से पोलिंग बूथ की तरफ से। कहां सर? आपने तो दिया ना वोट? अरे भैया दिन वोट अब देख के नक्षत्र वाल जो को होई तो को जीती, अब हम का बताएं। आप तो अपनी उंगली दिखाई है, ये उंगली पर आपकी शाही लगी हुई है, उधर कैमरा तो डाल के आन वोट हरदम दे तो वोट तो डाल तो एक वोट का बहुत महत्व रहा। हां वोट बहुत जरूरी है। हां क्या कह रहे हैं थोड़ा बताओ। डिस्ट्रिक्ट तो रायबरेली है, सोनिया गांधी जीतेगी यहां से जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो ये क्या है कि आप बोल रही हैं वो बोल रही हैं, बाकी जो आपके आप मन की बात भाई साहब। वैसे है क्या गांव में ज्यादा जो है महिला? गांव में हम लोग किसी के लगे भाई बैठते उठते नहीं, अपने अपने माहौल को जानते हैं। हाँ। और किसी के माहौल को भाई नहीं जानता, किसका मन कहाँ डोल रहा कहाँ जा रहा। बाकी वैसे महिलाएं इस बार चर्चा क्या है महिलाओं में? महिलाओं जब हम बता रहे हैं भैया हम किसी के घर दरवाजे जाते भी नहीं है, अपने काम से काम है, तो जो इच्छा चाहेगी वही भगवान करेगा। और महिला ये फिर सोनिया गांधी जिंदाबाद कैसे मतलब आपको लगता है? माहौल सुन के अभी कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाते, अभी कह रहे हैं कि माहौल सुन के। अरे महीनों से चर्चा हो रही है। महीनों से चर्चा हो रही है? हाँ महीनों से चर्चा हो रही है, तब तो कुछ तो ये उधर छतरी लगा के बीजेपी वाले भी बैठे हुए हैं। वो छतरी लगा करके उधर बीजेपी वाले बैठे हुए हैं।
अब जिसकी सरकार बनेगी तो जब बनेगी तब ही पता चलेगा भाई, अब क्या बता रही हूँ। वो छतरी लगा के ऐसे ही बैठे हैं बस? नहीं, उन्होंने अपने काम के लिए बैठे हैं। आप भी कुछ जा रहे हैं वोट या ज्यादा वोट इधर? भैया उसके अंदर काम मैं बैठी हूँ, कौन दे रहा, किसकी बटन दबा रहा। अभी तो आप बता रही थी कि ज्यादातर लोग जो है बोल रहे हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद। जब जो होगा तो होगा, जो होगा तो होगा। अच्छा, मैं ये थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप चाहते क्या हो कि रायबरेली में क्या हो? अब जो भी मान लो नई सरकार बने, आंसर नहीं देना है। नहीं आंसर देना कोई भी, आप माइक ले जाइए। तो दोपहर में एक तो चिलचिलाती धूप है, उस धूप में जो है वैसे ही जो है वो पसीना गर्मी, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अब गांव में आए तो गांव के लोग जो है वैसे तत्कार करके भगा देंगे, तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत होगी हमारी। हाँ, क्या कह रहे हैं? ड्यूटी में लगे हो? हाँ, ड्यूटी में लगे हैं, लेकिन वो ड्यूटी कर रहे हो, निभा रहे हो ड्यूटी? बस वही ड्यूटी निभा रहे हो। हाँ, ड्यूटी तो आप निभा रहे हो। आप देखिए, आप समझदार हैं। मैं तो गया था बात करने के लिए, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा पता चले, युवा वोटर है तो क्या चाहते हो रायबरेली में क्या हो इस बार? विकास हो बढ़िया, अच्छे से बच्चे मारे मारे फिरते हैं, बातें देखो सब लोग मारे मारे फिरते, पढ़े लिखे सब धमाल घूम रहे हैं, क्या काम, कुछ नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं कुछ भी नहीं। अब जो भगवान की इच्छा होगी तो होगा। तो आप चाह रहे हो कि इन लड़कों को नौकरी का साधन बने? आपके लड़कों का नौकरी का साधन बने? आपके कितने बच्चे हैं? दो। नौकरी है? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुषमा। आप अच्छा बोलती है, कम से कम जो है वो लोगों की आवाज बना करके खुद से उठा रही है। चलिए, आप लोग दिए हैं वोट? मेरा पहली बार चांस था, अभी तक वोट नहीं आया। अच्छा, पहली बार वोट देने का चांस लगा था? हाँ, लेकिन मेरा वोट ही नहीं आया। वोट नहीं आया? आपने दिया है वोट? थोड़ा आगे इधर। हाँ, वोट दिया है। वोट दिया है? हाँ। क्या देख रहे हैं इस बार, क्या स्थिति है? आपके राहुल गांधी आएगा, रायबरेली से राहुल गांधी आएगा आपकी। हाँ, कोई रोक नहीं पाएगा, गढ़वाला गया है कांग्रेस के लिए। अच्छा, आपकी रायबरेली से कांग्रेस ही आएगी। और ये दूसरा जो छतरी लगा के बैठे हुए, वो तो छतरी तो सब लगा के बैठे हैं, तो काम है तो लगाएंगे। वो दिखा दो जरा छतरी, दिखा दो भाई उधर भी। अरे छतरी लगा तो क्या हुआ, पर राहुल गांधी आएगा आपकी। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान। रंजीत पासवान। हाँ जी। क्या करते हो पासवान जी? मैं तो बस दिहाड़ी मजदूर करता हूँ। तो राहुल आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर? अरे राहुल आ जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा गरीब आदमियों का। अच्छा, और क्या, योगी ने क्या किया? योगी ने कुछ नहीं किया, योगी ने तो भुखमरी का खड़ा कर दिया। गरीब आदमी मर रहे हैं बेचारे, जानवर सब मर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है, क्या होगा? योगी ने कुछ किया नहीं। अब कांग्रेस आएगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो आपको रोजगार की मेन जो है वो बड़ी उम्मीद है? हाँ, राहुल से तो है उम्मीद, रोजगार आए तो गरीब आदमी का थोड़ा है सही। आपने डाल दिया वोट क्या? डॉक्टर इस दुकान की तरफ जो आदमी आता है वो बोलता नहीं है क्या? नहीं बोलता होती है, डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब खाना नहीं खा पाते, खाना नहीं खाते हैं। पता नहीं, मैं उधर गया तो जो दो महिलाएं थी वो भी नहीं बोली, आप भी नहीं बोल रहे हो। अच्छा डॉक्टर जी, आप डॉक्टर हो? आप डॉक्टर साहब हो? अच्छा, तो ये मजे ले रहे हैं आपका है? रायबरेली के लोग जो है वो खूब टांग खींचते हैं, पहले मेरी खींची अब आपकी खींच रहे हैं। वो डाला है कि नहीं डाला है? वो डाला है आपने? वो तो भाई कहाँ डाले, नहीं डाला है? क्या हुआ? अभी नहीं डाले, शाम तक डालेंगे। वोट तो डाल ही देना चाहिए, अब बाद में फिर जो है और भीड़ हो जाए। नहीं नहीं, शाम को भीड़ यहाँ होती नहीं ज्यादा। क्या सोच रहे इस बार गाँव के लोग ज्यादा? ये सब मुद्दा उद्दा है, बाकी कुछ क्या मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा बस। बोला आपने वोट जी? क्या नाम है आपका? महेश त्रिपाठी। क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं, क्या मतलब? चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? आपने वोट डाला तो क्या सोच करके वोट डाला? वोट डाल के यही सोचा कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, टोटल मिला करके देश हित में कर रही है। अब व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर के अगर हम घूमेंगे स्वयं का, तो उसमें तो कोई मतलब नहीं हो। ये चीज़ हर लोग, सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि हमारा जो वास्तव में जो
स्थान होना चाहिए, कहाँ किस पार्टी में होना चाहिए, इस वजह से हमने जहाँ हमको वोट देना था। ये अम्मा कह रही है हमारे दो लड़के हैं, दोनों लड़के मजदूरी करते हैं, काम धंधा है ही नहीं। जी काम करना, आप बताइए काम करने के लिए अगर आदमी मेहनत करना चाहे तो कोई भी आदमी 1,500 रुपये डेली पैदा कर सकता है, ये तो एक बहाने हैं। मेहनत आदमी करे पैसा है, हमारी समस्या है, बगैर मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आप सरकार के करो चाहे प्राइवेट करो चाहे एक मजदूर छीटा ढोके करे। अम्मा ये आप ही के लड़के नहीं लगे नौकरी है, बाकी भी ये तो कह रहे कि काम धंधा मेहनत नहीं करते लड़के। दुनिया में सब लोग भाई जिका भगवान जिका नौकरी चाकरी दी है वही कर दी है, जिका नहीं दियो तो मार सबका तो मिल नहीं रही भैया। और लड़कों को लगी है किसी को गाँव में मुश्किल नहीं लगी? भगवान इच्छा जी के हुई ऊपर प्रभु नाथ वही का नौकरी दे दे है और जिका नहीं तो नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी गांव में आपके गांव में या जानने पहचानने वालों में 2-4-5 साल में अभी किसी की नौकरी लगी है? 2-4 लड़कियों मोहल्ले में पुलिस वाले लगे, हर जन वाले। अच्छा पुलिस वाले मोहल्ला में दो लड़के। कब? 5 साल हमका लगत लगे पर साल, 1 साल भाई 1 साल हुई। कौन सी उसमें भर्ती हुए पुलिस में? अब भैया क्या पता हमका नहीं, नहीं यही अपने अपने वो डाला अपने भाई। हाँ डाल दिया। क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? बहुत कुछ देख रहे हैं। इस बार क्या है युवा के मन में? यहाँ पे भाजपा चल रहा है। अच्छा और क्या मुद्दा है? मुद्दा हम क्या बताएं क्या है, जैसे मान लो वोट कर रहे हो तो उसमें क्या मुद्दा है? अब निकलना तो चाहिए भाजपा को। आपने डाला है भाई वोट? वोट नहीं है हम भोगे, वो डाल दिया। डाल दिया? हाँ। पहला वोट है? हाँ पहला वोट है। इस बार क्या है पहले वोटर के मन में? वो तो मन में भाजपा है। अच्छा मोदी जीताएंगे। अच्छा हाँ। वोट डाला आपने? अभी नहीं डाला। क्या देख रहे हैं आप इस बार चुनाव में? जो चल रही सरकार वही बनेगी फिर। अच्छा आपने भी डाला वोट? मैं यहाँ पर। अच्छा आपका नहीं है? हाँ आपने डाल दिया वोट दादा? हैं क्या लग रहा है इस बार? इस क्या लगकर क्या लोग क्या सो बोल रहे हैं इस बार? हम किसी नहीं सुनते, कौन करते, हम कहाँ लगा अगर हम मोहर मारे? क्या सोच करके मारा है? क्या सोच करके मारा? कहा बताइए सोच, मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत विकास हुआ है। महंगाई सब महंगाई मध्य सब तो चलते है। हाँ। बढ़िया। आपने डाला वोट भाई? अभी डाले नहीं, डालेंगे। अच्छा आप क्या देख रहे हो? देखिए 5 साल हो आई नहीं, प्रमाण पत्र लेने का उनके पास समय नहीं था। रायबरेली के कितने वीर सपूत शहीद हो गए, उनके यहाँ श्रद्धांजलि देने नहीं आई। वो 5 साल बाद अपने बेटे के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, किस मुंह से वोट मांगा उन्होंने हमको यही समझ नहीं आ रहा। बीजेपी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है भाजपा के। क्या हुआ? आपने डाला वोट? अभी मेरा वोट ही नहीं आया 17 साल। जब आएगा तो जाएगा भाजपा को। अच्छा लोगों से पूछता हूँ मेरे भाई, वो डाला है आपने? जी। क्या देख रहे हैं आप? विकास। और क्या विकास? विकास किसान सम्मान, पेंशन, राशन, कोई भेदभाव नहीं, उसी के आधार पे वोट किया। आपने डाला है वोट? जी। क्या नाम हुआ आपका? विमलेश कुमार, ग्राम पोस्ट जोहवा सर की, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। पूरा एड्रेस बता दिया जी, बताने में क्या है, जो है वो तो बता रहे हैं। क्या मैं, इस बार? मैं एक किसान भी हूँ। क्या है लोगों के मन लोगों में? लोगों के मन में अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। अब कोई अपने दिल की बात यहाँ नहीं बता देगा खुला शब्द में कि हम ये कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हमको लग रहा है जो हमारा वर्तमान समय है हमारा अच्छा है? अच्छा जी सर। हाँ बताइए जी। वो डाला है आपने? जी ढील दिया। उंगली दिखाई ताकि और लोग भी निकल करके आएंगे डालेंगे वोट। क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग? विकासवाद है? राष्ट्रवाद विकासवाद। अच्छा जी। चलिए तो थोड़ा और आगे चलते हैं और वहां बात करेंगे। और रायबरेली का ये चौकपुरा गांव है, दोपहर का समय होने जा रहा है और गांव के कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये पीछे आप दिखाएंगे तो ये स्कूल है जहां पर अभी इस वक्त में वोट डल रहे हैं। ये पीछे स्कूल है और स्कूल में वोट डल रहे हैं यहाँ पे। तो वोट डाला आपने? डाले। हाँ डाल दी। उंगली दिखाओ थोड़ा पास आई भाई। नहीं अभी हम नहीं डाले, पापा का डाले, डलवाने गए थे हम, अपना अभी नहीं डाले। जाओगे? हाँ जाएंगे, जाएंगे क्यों नहीं। क्या देख रहे हैं इधर रायबरेली में? क्या है कांग्रेस की बनने की मतलब उम्मीद है ज्यादा लोगों के अंदर?
आपने डाला वोट? हमने तो डाल दिया। क्या नाम हुआ आपका? राम अवध। है राम अवध। इस बार क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? हाँ, क्या सोच करके इस बार वोट डाला आपने? अरे हमने अपने पुराने कैंडिडेट को दिया है। कैंडिडेट तो नए हैं आप? हाँ, नए क्या, गांधी परिवार के हैं, नए क्या है? हैं? अरे भाई उन्हीं के नाती पोते हैं सब। हाँ। हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? सबसे ज्यादा कांग्रेस की रुझान है, 90% से ज्यादा कांग्रेस की है, एक तरफा कांग्रेस चल रही। क्या करते हैं आप? मजदूरी। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मौर्य। बाहर के आदमी आए उनके स्वागत में। तो ये आप लोगों ने डाला वोट? अभी नहीं, अभी नहीं डाला है। क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, और क्या? क्या देख रहे हैं गांव का आदमी इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस है पे वो बोल रहे इसलिए क्या है? वो बोल रहे इसलिए उनके बोले का मतलब हमका हमका इच्छा से देना है, कांग्रेस देना है, बनाना है। आपने डाला वोट? अभी नहीं। क्या आदमी वोट नहीं कर रहा है क्या? नहीं, वो करे... नहीं, नहीं अभी करेंगे भाई, वोट डालेंगे भाई। क्या सोच करके इस बार गांव का आदमी वोट कर रहा है? अरे महंगाई की वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई, जानवर की दिक्कत है, इस सरकार से आदमी परेशान है इस सरकार से, इसलिए कांग्रेस पर ही एक तरफा वोट है, कोनो वाय नहीं। अच्छा, वो कह रहे थे कि राहुल जो है वो डर करके आ गए, ये सारी बातें चल रही थी। कुछ नहीं, वो घरेलू संबंध है सबका घर का। अच्छा, आप ये बात समझते हो कि घरेलू संबंध है? हाँ बिल्कुल। हाँ, आपने वोट डाला है? हाँ डाल दिए। क्या देख रहे हैं आप? महंगाई देख के घर डाल दिए, हमें सरकार से कुछ नहीं फायदा हुआ है, इसलिए अपनी नया प्रधानमंत्री। यहाँ पे आपके तो मंत्री जी भी है। वो है लेकिन हमारे काम के नहीं है, जो हमें राहुल भैया सम्मानिक हैं उनको मैं वोट दिया हूँ कांग्रेस को। क्या करते हो आप? मजदूरी। हाँ, जा रहे उठ करके थोड़ा बता के जाओ पहले एक बार। नहीं, नहीं, क्या नाम है आपका? सुशील चंद। सुशील चंद। वोट डाला है? हाँ, वोट डाला। उंगली दिखाई, उंगली दिखाई ताकि और लोग भी निकलेंगे। तो आपने क्या सोच करके वोट किया? कांग्रेस को हमने वोट दिया है। क्यों दिया? क्या ऐसा जरूरी आपको मुद्दा लगा कि आपने कांग्रेस को वोट किया? अरे महंगाई बढ़ रही है, जैसे गैस सिलेंडर है 450 का था, अभी इस समय 1150 का हो गया, इलेक्शन आया 850 का हो गया, अभी इलेक्शन बाद फिर हो जाएगा 1500 का। रायबरेली का आदमी ये सोचता है? हाँ बिल्कुल सोचेगा रायबरेली का आदमी। अरे भाई महंगाई बढ़ गई, महंगाई भी सुनते भाई साहब। क्या कह रहे हो? गेहूं धान का रेट कुछ बढ़ नहीं रहा है। हाँ भाई, गेहूं धान बढ़ चाहिए। हाँ क्या कह रहे हो आप? गेहूं धान का रेट कुछ बढ़ नहीं रहा है, केवल महंगाई बढ़ती जा रही है और कुछ हो नहीं रहा है, किसान क्या करेगा? हम लोग किसान, सब किसान है यहाँ पे, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, सब लोग किसान। पार्टी के लोग कोई बैठा है ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब गांव के आम लोग हैं। सब गांव के लोग हैं। हाँ दादा, ये कहीं ऐसा नहीं पार्टी पार्टी आदमी बैठा हुआ है? पार्टी वाल्टी कुछ नहीं, मतलब भैया आपकी हरा खेदे खेदे मुझे परेशान हो गया, कोई सुना नहीं की किसान मरी की जी, गाय खेत खेत के परेशान। गाय बछवा तो परेशान हो गए हम लोग खेत खेत के, और कोई सुने वाला नहीं रहा गेहूँ की रोटी मिली कि ना मिली, और यही तंगाई से हम लोग बाहर हो गए सरकार से। तो कांग्रेस आई है कम से कम, देखो ये क्या करती भाई। आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार? हम लोग गाड़ी लेके आए हैं, ड्राइवर कंडक्टर। अच्छा, ये स्कूल में ड्यूटी लगी है? हाँ हाँ हाँ। हम लोग इधर यूपी के ही हो? हाँ, अरे यहाँ लाल गुरबकसगंज के रहने वाले। आपकी भी वोट आ गई है की? भैया वोट है नहीं है? अब बोटल है, अब कहाँ है? रायबरेली में ही आप भी रहते? तो हम भी रायबरेली के रहने वाले। अच्छा, तो अभी आपकी स्कूल में इसमें ड्यूटी लगी? ड्यूटी लगी, हम लोग गाड़ी लेके आए, पुलिस वालों को लेकर के आए। हाँ पुलिस वालों को। तो कितने वोट होंगे दादा आपके गांव में? कितने वोट होंगे तकरीबन यहाँ पे? अरे कम से कम सबसे ज्यादा तो है ये कांग्रेस। नहीं नहीं, वैसे कुल वोट कितने होंगे? हाँ सात भाई, सात वोट होगी। सब वोट तो प्रदेश में पड़ी है। प्रदेश? अरे सब जो मजदूरी करते हैं बाहर, वोट तो सबका इधर ही पड़े, बाहर कहाँ पड़े? हाँ लेकिन तो यहाँ है तो कहाँ, तो वोट पड़ जाए उनके, जब आई है तब तो पड़ी।
तो जो यहाँ है वो क्या कहाँ पर डाल रहे हैं? अरे वही में भाई को भाजपा में डाल रहा है तो ज्यादातर लोग कांग्रेस में डाल रहे हैं, भाजपा में कम डाल रहे हैं। अब मैं आपसे तो ये कह भी नहीं सकता कि आप तो पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, आप तो मेरे को दिखने में लग रहे हो बिल्कुल आम देहाती आदमी हो, अपने किसान आदमी हो। देहाती किसान आई है भाई। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अच्छा तो आपका तो नाम भी हनुमान जी का पूरा है। हनुमान जी है। अच्छा जो कह दे वह हुई। अच्छा ये खाली पीली जो है वो चढ़ा रहे हैं, हवा बना रहे हैं, बाद में फिर आप इसे कहेंगे ठंडा मंगवा लो आपको हवा बना दी थी। हाँ भाई दो कहाँ है, लेकिन एक ठंडा और चेप हो जाएगा आपके। नहीं ठंडा वंडा ज्यादा पीते रहे ना। नहीं कुल मिला के इस चुनाव में आपको मोटे तौर पर अगर मैं पूछूं आपसे, आपका गांव का नहीं आपके गांव के बाहर का भी मान लो, आपको मोटे तौर पर इस बार क्या समझ में आ रहा है? अब असल में सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान है कि हरान पे रातों दिन रखाओ इनका तो वो चढ़ जाते हैं किसानों से, ये पशुओं से परेशान है। हाँ तो यही लिए आदमी सब ऊब के कांग्रेस का सोच रही कि शायद क्या इनसे कुछ लाभ मिल जाए, जानवर का कोई व्यवस्था हो जाए तो शायद चरम बंद हो जाए। आपने डाला वोट? आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस को ज्यादा बोलू नहीं। आँख का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा अच्छा नहीं आपको मोटे तौर पे क्या रुझान समझ में आ रहा है आपके गांव के बाहर का भी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या इस बार जो है रुझान लग रहा है चुनाव में? जहां तक सुनाई पड़ रहा कांग्रेस से है, बीजेपी इस बार नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं बीजेपी। बीजेपी पत्ता साफ है, बीजेपी पत्ता साफ है। मौर्य साहब ऐसा कैसे क्यों कर रहे हो? अरे सारे हमने जहाँ पूरे जिले में हवा केवल कांग्रेस ही का है। और जिले के बाहर का हवा क्या सुन रहे हो? जिले के बाहर जाते नहीं तो क्या बता? जाते नहीं वैसे आपको खबर से या वैसे और दोस्तन से या लोगों से फोन वोन करके कोई बात होती है क्या समझ रहे हो? सब कांग्रेस है बता रहे हैं। इस बार देश में क्या लग रहा है आपको? अब तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। अच्छा। उम्मीद यही ये मतलब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर वोट इस नाम पे भी पड़ रहा है क्या इस बार की प्रधानमंत्री बन जाए जीते तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं। हा? भाई जनता को जहाँ सुविधा मिली वह का चुनी बात साफ एकदम बात समझो। 10 साल हो गए इनका, इनसे क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला, महंगाई अथाह बढ़ चली जा रही। आपने डाल दिया वोट? आपने डाला वोट? इंतजार है आपको अभी? नहीं इंतजार कुछ नहीं है, अभी जो है महिला वर्ग ज्यादा वोट कर रहा था सोचे बीच में कहाँ घुस जाए, अभी तो समय है बहुत। अलग अलग नहीं बनाया कि महिलाओं की लाइन अलग और पुरुषों की लाइन? लाइन लाइन अलग कुछ नहीं है, हमारे यहाँ छोटा सा बूथ है। अधिक कितना वोट आपके यहाँ? हमारे यहाँ 750 के लगभग वोट है, 500 के आसपास पड़ेगा, 5 और जिसमें लगभग 300 प्लस वोट पड़ गया है। सुबह सुबह ही पड़ गया, 300 प्लस पड़ चुका है, थोड़ा बहुत है बस। किधर गया है मोटे तौर पर आपको लग रहा है रुझान? हमारे यहाँ कांग्रेस का रुझान है क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है समूचे भारत वर्ष में, ये कोई कहने वाली बात नहीं, ये आम आदमी जानता है। पिछली बार अमेठी भी जाता था, अमेठी में भी जो है वो पिछली बार राहुल थे। तो ये तो एक अलग विषय हो गया, कभी कोई ऐसा कारण हो गया कि हमारे यहाँ रायबरेली में इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी 77 का, और उसके बाद जो है जब वो अपनी गलतियों का सुधार करके पुनः पलट के रायबरेली आई तो हमारे रायबरेली के लोगों ने उनको पुनः स्वीकार किया और तब से गांधी परिवार का कब्जा है। गांधी परिवार रायबरेली को एक परिवार की तरह मानता है, हमारे रायबरेली के लोग अधिक से अधिक गांधी परिवार के साथ हैं। ये मतलब केवल गांधी परिवार की वजह है या और भी कोई वजह आपको समझ में? और वजह क्या है, जैसे 10 वर्ष के कार्यकाल लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी का, महंगाई चरम सीमा पे है, जानवरों से किसान परेशान है, पेपर लीक से युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई परीक्षा होती तो पेपर लीक हो जाता है, यही सब है। अब हम बहुत बड़े कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। आपने वोट डाल दिया क्या? एक मिनट आइए नजर इधर, अरे एक बार उंगली केवल दिखा रहे ताकि और लोग भी आए वोट देने के लिए। हाँ क्या हम कोई खजाना थोड़ी ना पूछ रहे हैं घर का, भाई हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपने वोट डाल दिया। हाँ वोट डाल दिया आपने? हाँ वोट डाल दिया। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। गांव का आदमी इस बार क्या सोच करके वोट कर रहा है, किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? भैया यह पता नहीं लेकिन यह है कि ज्यादातर सब कांग्रेस से जाए। अच्छा हाँ आपने डाला भाई वोट?
हाँ ये नहीं है ना, मैं तो नए आदमी देख रहा हूँ, नए आदमी से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ 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 आइए ना, थोड़ा इधर आइए ना। हाँ देख कुछ महिलाएं भी जा रही हैं उनसे भी। एक मिनट रुको आप, एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा एक बार महिलाएं से बात कर ले। वोट डालने के लिए जा रहे हो आप भी? हाँ क्या सोच रहे हैं इस बार? हाँ क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या महंगाई देख करके वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी की काम बहुत हुआ है, काम को देख कर क्या लग रहा है आपको? हाँ अरे अगर मनाई देख के हम जाई तो आटा छाने होता। तो क्या सोच करके इस बार आप लोग वोट कर रहे हो? अब हम काजी बताओ तो हम वो बताइए हम काजी क्या बताइए आपको? हाँ नहीं दिया। किसको देख रहे हो इस बार? इस बार किसको जो है वो तरफ महिलाओं का वोट ज्यादा जा रहा है? अरे अब जाई पास छाने वो है जाई उनका करवा जाई। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? जहीपा छाड़े वहीप जाई, जहीपा छाड़े वहीप जाई। नहीं नहीं तो फिर आप लोग किस पे चाहते हो? कमल पर। कमल पर। अच्छा आप भी वोट डालने के लिए जा रही हैं? हाँ तो आपने डाल दिया वोट? हाँ डालो, दोपहर हो गया। नहीं डालना है। क्या देख रहे हो आप इस बार? इसमें देखना क्या, यहाँ से कांग्रेस निकलनी। वो महिलाएं तो कुछ और बात कर रही थी। महिलाओं जरूर, क्या सिर्फ एक आदमी के डालने से क्या परिवर्तन होता है? हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपका है वोट या केवल वोट है? वोट नहीं सर। तो मस्ती चल रही है अभी? लाओ भैया पानी। हाँ हाँ आपने, आपका तो बात हुई ना? हाँ हो चुका। तो दादा ये महिलाओं का वोट जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है क्या? जैसे महिला से हमारी बात हुई अभी। अरे भाई अब को मन का बात तो बता नहीं सकता, महिला कहीं का जा कोई कोई जा रही कि ज्यादातर जा रहे ऐसे लग रहा है। अब ये का पता नहीं कहाँ जा रही है। जैसे वो महिला आपके सामने बोल रही थी। हाँ तो भाई वो जो एक वो तो दी ज्यादातर है या फिर कोई कोई है? काव है भाई, वो कहाँ दे रहा है, वो कहाँ दे रहा है? नहीं ज्यादातर किधर है? ज्यादा नहीं तो पोलिंग तो हम कांग्रेस की जीता है। कांग्रेस ही जीती है ज्यादातर? कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ तब एक तरफ जाएंगे तो 100% कांग्रेस नहीं हो जाएगी, तब अच्छा। कहेंगे बेमानी कर लिए। ओहो ये भी तो है। तब 100% जाएगी तभी यही कहेंगे बेमानी कर लिए। ये गजब बात है, सारी चीज का जिम्मेदारी आप ही नहीं ले रखे। नहीं हम नहीं ले रखे, ये उनकी सोच है ना। मतलब कोई भी कंप्लेन होती है बीजेपी की, जो वोट डालना भी आपकी जिम्मेदारी, कांग्रेस का डालना भी। नहीं हम ये नहीं कह रहे दोनों डालना, लेकिन 100% अगर एक पक्ष को जाता है तो दूसरे पक्ष वाले ये कहेंगे बेईमानी कर लिए। 100% कैसे पड़ गई बात, यहाँ आके फंस जाती है ना। आपको मोटे तौर पर देश में इस बार क्या रुझान समझ में आ रहा है? देश में इस बार देखिए रुझान क्या, मेन जो अहम मुद्दा है देश का जो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, बेरोजगारी और महंगाई का होना चाहिए। और इस टाइम भाजपा सरकार का जो कर रही है वो इन दोनों मुद्दों को भड़का रही है लोगों के लिए, मतलब हटा रही है इन मुद्दों को। उनका जो मेन है वो सिर्फ मंदिर पे उनका मेन फोकस है और हिंदू बनाम मुस्लिम उनका मेन फोकस, ये मेरी राय है। आप लोगों को मोटे तौर पे क्या जो है वो देश में इस बार समझ में आ रहा है, क्या होगा? आपका मन क्या कह रहा है? बदलाव। बदलाव चाह रहा है। क्या बदलाव होगा? कांग्रेस सरकार। आपको क्या समझ में आ रहा है मोटे तौर पर इस बार? कांग्रेस सरकार। और दिल्ली में? दिल्ली में है जो ना है, दिल्ली में तो कांग्रेस है, गठबंधन बनी। मोदी जी नहीं बनेंगे? गांव का आदमी उखड़ गया है क्या सरकार? हाँ उखड़ गया। हाँ उखड़ गया, नाराज है। हाँ क्यों? अभी काम काज नहीं, जो नाराज है जुमलेबाजी से, झूठे वादों से सब परेशान जनता। क्या कह रहे हो? अरे खेती में है उर्द बोए सब काल चली गई, लील गए सुट्टा जानवर, तब बताओ कहाँ तक आदमी पहुंची ख्यात में। देखिए गांव का आदमी है, शुद्ध देहाती आदमी है और वो ज्यादा राजनीति जानता नहीं है, लेकिन मन का साफ है और मन में जो है उसको कह देता है। तो ऐसे ही थोड़ा गांव-गांव में खाक छानते हुए मैं घूम रहा हूं और अब थोड़ा सा आगे दूसरे जगह पर चलते हैं और
गांव के लोग क्या सोच रहे हैं वो टटोलते हैं।